दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग में आखिर कौन बनेगी भगवान विष्णु के अवतार यानी कि कल्कि अवतार की पत्नी? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। कौन होंगी विष्णु अवतार कल्कि की धर्म पत्नी? आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, कलयुग में विष्णु भगवान का नया अवतार जन्म लेगा, जिसका नाम होगा कल्कि, जिसे हम कल्कि के नाम से संबोधित करेंगे। और ये भी हम जानते ही हैं कि भगवान परशुराम स्वयं उनके अध्यापक यानी कि शिक्षक होंगे, और उनका साथ स्वयं भगवान शिव जी के अंश अवतार पवन पुत्र हनुमान भी देंगे। दोस्तों, जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर देवी त्रिकुटर अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय उन्हें दिया था। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार धन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रखने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से पहले ही हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। तब त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस पर आप तीनों महाशक्तियां महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान रहें। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपके पास जरूर आऊंगा और आपसे विवाह भी करूंगा। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान राम के आदेश के अनुसार वह आज भी उनका इंतजार कर रही हैं, और ऐसे में भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और अब उनका आखिरी जन्म यानी आखिरी अवतार कलयुग के समय प्रकट होगा। वो आखिरी अवतार होगा कल्कि अवतार, और वो स्वयं त्रिकुटा से विवाह करेंगे। जी हाँ, त्रिकुटा ही उनकी धर्म पत्नी होंगी। आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।